इस वक्त मैं यहाँ सरोजनी नगर में हूँ और मैं यहाँ का स्ट्रीट फूड भी शूट करूँगी, तो मैं आपको वो दिखाऊँगी, मतलब सरोजनी नगर वाले एरिया में कौन कौन सा स्ट्रीट फूड आपको मिल सकता है। सो चलो सीधे को स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम से हो गए आप यहाँ पे? पाँच साल हो गए आपको यहाँ से, तो आप सारा टाइम मतलब इसी एरिया में ही रहते? कहाँ के हो भैया वैसे? यूपी पे जाएंगे। यूपी के? क्या राम लड्डू बोलते हैं इसको? हाँ जी, राम लड्डू मूंग दाल के। राम लड्डू मूंग दाल के, ठीक है। चालीस रुपए भैया? बीस का हाफ प्लेट, चालीस का। तो ये 20 की हाफ प्लेट है और 40 की फुल प्लेट है। और राम लड्डू दिल्ली में ही ज़्यादा मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, तो आप जब आना तो उसको जरूर खाना है। कितने की प्लेट है? 20 रुपये। अभी आप कब से हो यहाँ पे? मेरे को होगी। हाँ जी, बहुत दिन हो गए। आपसे बड़े बड़े बच्चे हो गए। मतलब कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हो गए 20 साल। 20-22 साल हो गए आपको यहाँ पे, मतलब इसी एरिया में आप लगाते हो? और कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? यूपी। बताइए, यूपी से ही हो? क्या क्या डाल रहे हो भैया आपने इसके अंदर? क्या क्या डाला? आलू कचौड़ी सब्जी। क्या है? आलू कचौड़ी की सब्जी। और साथ में इन्होंने भैया मिर्च का चार तो दिया ही नहीं आपने, और ये मिर्च का चार, और साथ में ये है मूली और प्याज का कटा हुआ। आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है। कचौड़ी भी खस्ता है और साथ में आलू की सब्जी भी बहुत टेस्टी है। कुछ भी बहुत ईजी है। मैं आपको नेक्स्ट जगह पे मिलती हूँ। तो बस हमारी अब कचौड़ी ख़त्म हो गई, अब हम बेलपूड़ी खाएंगे। मिर्ची बहुत स्पाइसी थी, मिर्ची नहीं खाई गई, हम सारी छोड़ दी। 30 की और 50 की। और ये बना दो भैया एक प्लेट, 30 वाली बनाना आप। स्पाइसी रहेगा, मीडियम। मीडियम बनाना भैया तुम। और भैया कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? यहाँ पर हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो आपका रेट शुरू से इतना ही था? क्या बता रहे थे भैया, 3 साल हो गए आपको? अच्छा, लगा दे डीलर मॉल है ना साउथ के पास। हाँ जी, वही लगा दे। और क्या क्या डाला आपने भैया इसके अंदर अभी? ये मूंगफली का दाना होता है, नमकीन होता है। हाँ जी, और ये मिक्सर होता है। हाँ ठीक है। और सॉसेज में ये हरी चटनी और मीठी चटनी, इमली से बनाते हो यार? ठीक है भैया, ज़्यादा तीखा मत करना है। भैया इनको बहुत तीखा लग रहा है। नहीं, ज़्यादा तीखा किया ही नहीं है। ठीक है भैया। यूपी से हो आप? ठीक है, तो आपका घर वगैरह उधर ही है? बस आप यहाँ काम करने आते हो? ठीक है, मतलब आप इसी यहीं पर खड़े रहते हो सारा टाइम? वो साउथ स्क्वायर डीलर मॉल है ना, तो तरफ गेट नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्रंची भी बहुत है और स्वाद है। क्यों भैया? कुछ नहीं भैया, यूट्यूब पर डालेंगे बस। अरे मत डालो, आप बनाते नहीं, गलत सलत डाल देते हैं उस पे। क्या बोले, कोई न्यूज़ आएगी ना? आई स्वेयर भैया, कुछ नहीं डालेंगे गलत सलत। जो बोला, जो मैंने बोला वो उतना ही जाएगा। कोई दिक्कत होगी? नहीं भैया, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप मीठी लगाओ या ऐसा ही? हाँ मीठी लगाओ ना। आपने बताया नहीं कितने के देते हो आप? 20 रुपीज़। हाँ जी। अरे भैया हिंदी में बोलो, सब चलेगा, सब जाएगा, कोई इतनी टेंशन ले रहे हो, खुल के बोलो। कितने साल हो गए भैया आपको यहाँ पे?
भैया कितने साल से हो आप यहाँ पे? कम से कम मैडम 20 साल से हो गए। 20 साल से हो तो आप ये फ्रूट्स कहाँ से लेकर आते हो कि यहीं से आपको मिल जाते हैं? नहीं लेके आते हैं मैडम। कहाँ से लाते हो आप ये? ये लाते हैं आज़ाद मंडी से। आजाद मंडी से? आजादपुर मंडी, ये तो बीच में आती है ना आदर्श नगर वाली आगे आगे। ठीक है, तो आपको भैया क्या मतलब ये क्या बोलते हैं किलो किलो के भाव में आप लाते हो? हाँ जी हाँ जी, गजन के भाव से आते हैं। और इसका क्या नाम है? बेर, बेर। ये जो है ना बेर है। बेर है ये मतलब ये पेड़ पे होते हैं? पेड़ पे ही होते हैं, झाड़ी वाला पेड़ है। अच्छा, बेर है। इसके अंदर बीज होता है क्या? बीज होता है, सीड होती है इसकी। अच्छा, रोहन इधर आ क्लोज से दिखा इसको। ये बीज है इसका। अच्छा, ये बीज है इसका, ये ऊपर ऊपर खा जाएगा और ये बीज खा जाएगा। ठीक है, आगे देख लो एक बार, स्वाद है। और भैया स्टार फ्रूट तो ये समुद्र वाली साइड पर ज्यादा मिलता है ना कि आम? नहीं, ये कहीं भी जाओगे मंडी में मिलेगा ये। अच्छा, और ये बिजनेस वाली जो चीज होता है? हाँ जी हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फ्रूट्स में आता है ना ये। और ये क्या है? ये इमली है, ये पकी इमली है, कच्ची इमली। ये कच्चा तो पकाते हैं इमली को? ये पकाते हो आप? पेड़ पक जाते हैं? पेड़ में ही पक जाता है। पेड़ में पक जाते हैं? पक जाता है। ओके ठीक है। और भैया ये क्या कौन सा मसाला डाल रहे हो आप इस पे? ये मसाला बढ़िया वाला है। अच्छा, मतलब आप ये घर पे बनाते हो? हाँ जी हाँ। ठीक है, ये भी देखो इनको, इसमें मसाला डालो, चेक कर लेंगे ना। अब एक कच्ची इमली भी दे दो। एक डाल दिया इसमें? डाल दिया, डाल दिया आपने कच्ची इमली? सारा सब कुछ डाल दिया। ठीक है, देख लो एक बार, जरा भैया चेक कर लो आप। ठीक है भैया, मैं और काम के आगे ले वो कहते हैं इस टेंडर। इसका खट्टा मीठा टेस्ट है पर ये अच्छा है। खट्टा मीठा टेस्ट, मीठा तो कम ही है, खट्टा ही ज्यादा है। थोड़ा हाँ, बोर बोर खा के देखो, बोर खाओ, बीज निकल गया। इसका टेस्ट तो बेर जैसा है, जो ग्रीन कलर वाला। वही बेर होता है, सूडेन सावर। अच्छा, वही बेर होता है। नहीं भैया बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा कंटेंट ही है वो। मेरा भाई है। ऐसा ग्राहक को कंफ्यूज करना सही नहीं है। वो मतलब बना रहे हो? हाँ वीडियो बना रहे, मुझे पता। भैया ये पूरी खा लेते हैं ऐसे? हाँ हाँ हाँ, मसाला मसाला खाओ, मसाले डाल दिया मसाला उसमें, और डाल दो। नहीं डाला हुआ मसाला, टेस्टी है ना। हाँ अब खाओ। लगा इमली भी बहुत खट्टी है पर स्वाद है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे करीब मैडम 20 साल हो गए। 20 साल से आप इधर ही काम कर रहे हो? हाँ, उधर फूड की रेहड़ी लगाता हूँ, तो मैंने 2-4 दिन से लगा लिया है। अच्छा, आओ मैडम। और भैया आप भी इनके साथ ही से काम? हम लोग का यही पट्टी लगती है, कपड़ा लगाते हैं, कपड़े वाले काम। काफ़ी हद तक स्ट्रीट फूड कवर करने की कोशिश की है, मैं ज़्यादा तो नहीं खा पाई, जो नहीं खाया मैंने उसको मैंने सिर्फ शूट कर लिया, और बाकी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें खाई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और सब कुछ बहुत अच्छा था, आप जब भी कभी आना ना तो ऐसे ट्राई ज़रूर करना, आपको कुछ अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पर, तो जब भी आप आओ कुछ ना कुछ खाना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।